दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में, ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में और साथ ही साथ HFCL लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड इज द फ्लैगशिप ब्रांड ऑफ द ट्राइडेंट ग्रुप विच इज वैल्यूड एट $1 billion। इट इज हेडक्वार्टर्स इन लुधियाना एंड कंपनी स्टार्ट हुई थी April 1990 में। तो कंपनी को काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस भी है और कंपनी काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट में हमें देखने को मिलती है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ट्राइडेंट की परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से बिल्कुल निराशाजनक रही है। कोई बड़े मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं। पिछले दो साल में जहाँ 350% के रिटर्न हैं, वहीं पिछले पाँच साल में 255% के रिटर्न हैं। और अगर पिछले 10 साल के रिटर्न्स को देखा जाए तो लगभग 4000% के रिटर्न्स इस कंपनी ने बनाकर दिए हैं। बात करें ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो रिसेंटली कंपनी ने अपने Q2 की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को यहाँ पर रिलीज कर दिया है, जहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की अगर होल्डिंग्स देखें तो वो तो यहाँ पर डिक्लाइन हुई हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग्स यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें लाइक निपोन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 787 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 622 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, निपोन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 का लगभग 466 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 का 345 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एंड ICICI प्रूडेंशियल का 152 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ट्राइडेंट लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट रेटिंग अगर देखें तो मास्टर रेटिंग यहाँ पर 4 स्टार देखने को मिल रही है, EPS स्ट्रेंथ 3 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ 2 स्टार है, बायर डिमांड 4 स्टार है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बेस्ड काम लास्ट ट्रेडिंग वीक में काफ़ी अच्छा देखने को मिला, और ग्रुप रैंक अगर देखें तो 2 स्टार है। तो ओवरऑल अगर सारी चीज़ों को कंक्लूड किया जाए तो ट्राइडेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी के टाइम पर आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है HFCL लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में HFCL लिमिटेड के अंदर हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन बात करें HFCL लिमिटेड को लेकर क्या बड़ी न्यूज़ यहां पर निकल कर आ रही है, तो गवर्नमेंट टारगेट लेकर चल रही है 10,000 न्यू 5G टावर्स का पर वीक, जिसको लेकर यहां पर HFCL लिमिटेड को उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आप देख सकते हैं डे आफ्टर टेलीकॉम मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव आज टेलीकॉम कंपनी टू इंस्टॉल एटलीस्ट 10,000 5G टावर्स एवरी वीक। इंडस्ट्री सोर्सेज इन द नो सेड द गवर्नमेंट मैंडेटेड टारगेट वॉज डिफिकल्ट टू अचीव इन द नियर फ्यूचर, दे डेड नंबर शुड राइज सून फ्रॉम द करंट 2,500 पर वीक। तो यहाँ पर 10,000 हर हफ्ते हर सप्ताह में जो 5G टावर को इस्टेब्लिश करने की बात करी जा रही है, तो उसमें अल्टीमेटली जिस कंपनी को 5G के आने के बाद में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है वो है HFCL लिमिटेड। HFCL लिमिटेड का अगर आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देखेंगे तो टेलीकॉम टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इंटेलिजेंस पावर सिस्टम और सारे स्पेशलिटीज़ हमें इस कंपनी की देखने को मिलती है। साथ ही साथ कंपनी सेटअप CDMA इन GSM नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, DWDM ऑप्टिकल ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ रेलवे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को भी कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें यहाँ पर HFCL लिमिटेड के लिए आते हुए देखने को मिल रही है। अगर HFCL लिमिटेड की अपडेटेड शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करी जाए तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को काफ़ी अच्छे से इंक्रीज किया है। Q2 के अंदर आप देख पाएंगे जहाँ जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड का स्टेक सिर्फ 1.86% का था, वो सेप्टेम्बर क्वार्टर में बढ़कर 2.4% पर पहुंच चुका है। और वहीं अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ी सी ट्रिम होते हुए हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर HFCL लिमिटेड की भी इन्वेस्टमेंट रेटिंग अगर देखें तो मास्टर रेटिंग 3 स्टार है, EPS स्ट्रेंथ 2 स्टार है, बायर डिमांड 5 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ 2 स्टार है और ग्रुप रैंक 4 स्टार है। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन अगर देखें इसको अगर हम कंक्लूड करें तो HFCL लिमिटेड भी आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस 5G के आने के बाद में। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।